अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफ अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं एक्यू फीड। तो व्यूवर्स, आज इस चैनल पे मैं बहुत मजेदार सी रेसिपी कवर करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूं चिकन चाउमीन। और ये जो रेसिपी है वो एक चाइनीज रेसिपी है। तो ये रेसिपी में क्या क्या इंग्रीडियंट यूज होंगे और ये किस तरीके से बनेगी वो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ही। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और एक्यू फीड को ज्वाइन करें। चले आए, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अपने हैंड वॉश कर लेते हैं और फिर अपने इंग्रेडिएंट वॉश कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए 300 ग्राम चिकन। अब इसकी जूलियन कटिंग करेंगे। तो इसकी जूलियन कटिंग किस तरीके से होगी जरा गौर से देखिए। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से इसको काटना है। इसका साइज जो होगा वो 2 इंच होगा, बिल्कुल फ्राइज जैसे कटते हैं उस टाइप की है, मगर फ्राइज तो थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़ी छोटी है उससे। तो चिकन कट हो चुकी है, अब इसे करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून सोया सॉस। और कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, बस सिर्फ सोया सॉस से इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये हो चुका है डन, अब इसे रखते हैं 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड पे। तब तक कट करेंगे हम अपनी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे लिए स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट और मशरूम। अब इनको जूलियन में कट करेंगे। सबसे पहले इसके ग्रीन पार्ट को कट करेंगे। कैरेट को भी मैंने पील कर लिया, अब इसे भी करेंगे जूलियन कट। तो जब भी हम वेजीज को जूलियन कट करते हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें, वो बिल्कुल बारीक बारीक होनी चाहिए। वेजीज कट हो चुकी है, पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है, अब करेंगे नूडल्स को बॉईल। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ चाइनीज एग नूडल, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक रेसिपी देता हूँ, तो इस रेसिपी में यही नूडल यूज होंगे। अगर आपके पास ये वाले नूडल्स अवेलेबल ना हो तो सिंपल स्पैगेटी के साथ भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखें, कुछ इस तरीके के होते हैं ये। जब भी आप नूडल्स या पास्ता बॉईल करें तो पहले पानी के अंदर एक बॉईल आने दें, उसके बाद पास्ता या नूडल्स ऐड करें। Yeah.
नूडल्स अभी बॉईल हो रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कसर है, जब तक रेडी करते हैं चाउमीन का स्टफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पैन, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, 1 टेबलस्पून क्रश चिली, 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सबसे पहले ऐड करेंगे चॉप गार्लिक, थोड़ा सा इसको हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली, एक मिनट बाद इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। इसे तकरीबन 5 मिनट तक कुक करेंगे। और यहाँ पे नूडल भी चेक कर लेते हैं, थोड़े से कच्चे हैं। 5 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे वेजीज, अब इन्हें कवर करके रख देंगे ताकि वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें स्ट्रेन करते हैं। तो ये देखिए वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो नूडल्स यहाँ पे स्ट्रेन हो चुके हैं, अब करते हैं यहाँ पे नूडल्स को ऐड। मैंने नूडल्स को बड़े पॉट में शिफ्ट कर लिया, अब इन्हें करते हैं मिक्स। तो नूडल्स मिक्स हो चुके हैं, अब इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 4 to 5 टेबलस्पून, अब इसमें ऐड करेंगे सेसमी ऑयल 1 टेबलस्पून, यानी तिल का तेल, इससे फ्लेवर इन्हांस होता है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अब इन्हें करते हैं मिक्स। तो ये हो गए जबरदस्त से रेडी, अब इन्हें करते हैं सर्व। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन चाउमीन की। आपने देखा कितनी जबरदस्ती ये रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर बनाइएगा, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।